ቤት ቅድም እንደነበረና ፈጥጥ ወንደቱ ስለስ हाँ, इस बारे में हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑर्डर 105 जो है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आया था, जिसका डेट था 1/4/2021, जिसमें एक इंक्वायरी प्रॉपरली एक एस्टेब्लिश हुई थी ब्लॉक सोगाम में, जहाँ पे एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी रिगार्डिंग करप्शन। तो वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे REW के, उसको भी सस्पेंड किया गया था। उसके साथ जो बाकी अमला था AEE वगैरह, उनको सस्पेंड किया गया था। साथ में ही जब इंक्वायरी कमेटी ने इरेगुलरिटीज़ इसमें पाई और उसमें जो गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी इस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत जो मैंने जिक्र किया, उसमें तीन जो है टेक्निकल असिस्टेंट्स जिनके नाम इस तरह हैं, मिस्टर विकार अहमद वानी, मिस्टर अब्दुल रऊफ मीर एंड मिस्टर जमील अहमद खान, उनको जो है इस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत जो है मुझे डायरेक्शन थी कि इनको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जो है इनकी जो है वो ख़त्म की जाए, क्योंकि इनके खिलाफ़ जो है इंक्वायरी कमेटी ने साबित किया है कि ये मुलविस उसमें थे करप्शन में, या वायलेशन जो भी DPR की हुई, या मिसमैनेजमेंट जो हुआ है। तो उसके अलावा एक MIS ऑपरेटर की भी डायरेक्शन है, जिसके लिए हमने SCT साहब को कहा है कि भाई उसका नाम जो है हमें कन्वे किया जाए। एक MIS ऑपरेटर के बारे में SCT साहब ने कहा है कि वो ऑलरेडी रिज़ाइन दे चुका है। हाउएवर उन्होंने एक चीज़ कन्वे की है कि भाई वहाँ पर कोई और बंदा जो था वो MIS ऑपरेटर को असिस्ट करता था, लेकिन जो डायरेक्शन है इस ऑर्डर में उसके हिसाब से हमने MIS ऑपरेटर को भी बरतरफ करना है, जिसका नाम अभी SCT साहब से अवेटेड है। तो अगर उसने रिज़ाइन पहले ही किया होगा तो फिर उसके बारे में गवर्नमेंट को लिखा जाएगा कि उसके बारे में क्या करना है। तो ये जो ऑर्डर है इस का एक इंदिया है, एक मैं कहता हूँ कि कॉशन है सभी मुलाजमों को कि वो प्रॉपर ईमानदारी से अपने काम को निभाएं, काम करें, और जो है ग्राउंड पे जो है जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस करें, वरना जो है ये सिलसिला जो है जो करप्शन में मुलव्वस पाए जाएंगे मुलाजमीन, उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी रहेगा और हमारी तरफ से भी जारी रहेगा।